आज का ये दिन नवदीप कौर के नाम, जिसने निडर होकर संघर्ष किया और जेल गई। आज का दिन दिशा रवि के नाम, जिसने किसानों के लिए एक छोटी सी ट्वीट की और जेल गई। आज ये महिलाएं यहाँ पर आई हैं ये ऐलान करने कि हमने संघर्ष करके आज तक जो हक हासिल किए हैं वो हक हम हासिल करने के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। मैं शारदा दीक्षित हूँ, प्रिंसिपल रिटायर हुई हूँ और ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की उपाध्यक्ष हूँ दिल्ली की। हम लोगों का लगातार संघर्ष चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम 8 मार्च के दिन ही आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। हम कंटिन्यूस इंडिया के 24 स्टेट में हमारे यूनिट्स हैं और हम लगातार किसान आंदोलन हो या मान लो हाथरस की घटना हो या मान लो कहीं पर भी कोई ऐसी घटना होती है बेटियों के खिलाफ, हम आवाज़ बुलंद करते हैं और संघर्ष करते हैं। संघर्ष क्योंकि जीवन जीने का एक आधार है। मेरा नाम माया है और मैं संघर्षशील महिला केंद्र से हूँ, महिला संगठन। आज 8 मार्च के दिन हम इस बैनर तले इकट्ठा हुए हैं कि किसान मजदूर महिला 7 मार्च। जायज़ सी बात है, ये नारा हमने इसलिए केंद्र में रखा है क्योंकि जन आंदोलन ही इसी किस्म के उभर के आ रहे हैं। किसान महिलाएं लामबंद हो रही हैं हमारे गांव में और दिल्ली के बॉर्डर्स पे बड़ी बड़ी संख्या में, क्योंकि इस चीज़ को लेकर एक बहुत ही वाजिब डर है कि हमारी सरकार जो है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को परस्यू कर रही है और इससे छोटे किसान और खेती मजदूर को सबसे ज़्यादा घाटा है। तो जब लोग जन आंदोलन छेड़ रहे हैं तो महिला आंदोलन चुप नहीं रह सकता। महिला आंदोलन भी किसान आंदोलन, खासकर की गरीब किसान और खेती मजदूरों के मुद्दों के साथ खड़े होते हुए दिखेगा। मेरा नाम दोलन है, मैं एमफिल रिसर्च स्कॉलर हूँ जेएनयू में और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के साथ जुड़ी हूँ। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज इंटरनेशनल वर्किंग वुमेंस डे है और इस बात को हर साल हम रिटरेट करते हैं कि कैसे महिला का जो लेबर है, ऐसा एक बहुत पॉपुलर ट्रोप है कि वर्किंग वुमेन, वॉट इज़ अ वर्किंग वुमेन, इट इज़ नॉट जस्ट वुमेन जिनको पैसा मिल रहा है, जिनको सैलरी मिल रहा है। हर एक औरत वर्किंग वुमेन है। हमारे घर पे जो हमारी माँ बैठी है, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ बैठी हैं, सब वर्किंग वुमेन है और इतने सालों से वो अपना अनपेड लेबर दे रही है जिसको रिकग्नाइज भी नहीं किया जाता है। तो इसीलिए वुमेन्स डे का एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जो हम लोग अपने ऊपर ले लिए हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ये है कि हम सबको ये बताएं कि एवरी वुमन इज़ अ वर्किंग वुमेन, ओनली सम आर पेड सैलरीज। और इसी के इसी ट्रोप में अगर हम देखें तो हम हमेशा ये कुछ, अभी रिसेंटली मेरे से किसी ने पूछा कि वुमेन लिटरेसी रेट तो बढ़ता ही जा रहा है तो क्या इसका मतलब है इक्वालिटी आ गया है। सबसे पहली बात तो वुमेन लिटरेसी रेट जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा है। हमारे इंडिपेंडेंस को 70 साल से ज़्यादा हो गया है लेकिन आज भी अगर आप देखें, आप किसी भी छोटे गरीब परिवार में चले जाइए, शायद जिनका सालाना इनकम 20,000 हो, अगर उनकी 2 बेटियाँ हों और 2 बेटे हों तो ये रॉकेट साइंस तो है नहीं कि वो किन दोनों को पढ़ाएंगे और किन दोनों को नहीं पढ़ाएंगे। हमेशा यही होता है कि मर्दों को पढ़ाया जाता है, महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता है। तो ये सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक औरत को फ्री एजुकेशन दे, हर एक औरत को अफोर्डेबल एजुकेशन दे ताकि महिलाएं घर से निकल पाए, महिलाएं पढ़ाई कर पाए। क्योंकि जब तक एक महिला अपना ऑपरेशन नहीं पढ़ेगी, अपना ऑपरेशन नहीं समझेगी तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। मैं रेनू हूँ पुरोगामी महिला संगठन से। एक बात सीधी बात है कि जब ये हमारे पे कोई चीज़ दबाव दिया जाता है, जब सुख सुरक्षा के लिए, हमारे हिफाजत के लिए उन्होंने हमारे बारे में सोचते ही नहीं है और इस तरह का कानून जब लागू करते हैं तो हमको जाहिर सी बात है कि उसका विरोध करना ही पड़ेगा। बिना विरोध के तो वो देने वाले ही नहीं हैं। आप एक उदाहरण ले लीजिए, 3 महीने से ऊपर हो गया किसान बॉर्डर पे बैठे हैं और ये अपना 3 कानून का सवाल लेके बैठे हैं, एक बार भी उनकी सुनवाई नहीं किया जाता है। इसका मतलब हमारा देश कैसा लोकतंत्र है कि जिस देश में लोग आवाज़ उठाने पड़ रहा है, जो एक कहते हैं ना कि एक राजा का धर्म होता है कि प्रजा का सुख सुरक्षा दे, जब भी वो राजा सुख सुरक्षा नहीं दे सकता है तो उसको हटाना चाहिए, राजा को बदलना पड़ेगा। तो इसलिए हमको विरोध करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी चीज़ ठोकेंगे वो हमको लेना ही पड़ता है। देश में जो भी कुछ हो रहा है
महिला उससे अछूती नहीं है। कॉर्पोरेटाइजेशन अगर हो रहा है तो किस किस तरह से महिलाओं का शोषण हो रहा है। तेल पेट्रोल गैस अगर भाव बढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव गृहिणी पर पड़ रहा है, महिलाओं पर पड़ रहा है। महिला को घर चलाना है, खाना पकाना है, बच्चों की पढ़ाई देखनी है, बच्चों के कपड़े लत्ते, हजार तरह की चीज़ें व्यवस्था महिलाओं ने करनी है। उसके ऊपर से उसको समाज के और परिवार के अंदर एक संघर्ष भी करना है कि वो अपने आप को बराबर का इंसान साबित करने के लिए भी संघर्षरत है। तो कितने तरह के संघर्ष महिला कर रही है। सुबह 4 बजे उठकर रात के 11 बजे तक वो काम में लगी है, वर्किंग है, तो वो पूरे परिवार का इंतजाम करके तब बाहर जाती है, आकर फिर परिवार को संभालती है। तो क्या ऐसी स्थिति में हम ये चुप बैठ सकते हैं कि महिलाएं दूर रहें? जैसे अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कह दिया कि महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को घर चले जाना चाहिए। अरे महिलाएँ तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं भाई, 50% आबादी देश में महिलाओं की है। 50% आबादी अगर संघर्ष में योगदान नहीं देगी तो कोई भी क्रांति, कोई भी संघर्ष सफल नहीं हो सकता। चाहे वो किसान संघर्ष है, चाहे मजदूर संघर्ष है, चाहे महिला मुक्ति का है। महिला मुक्ति और महिला संघर्ष के साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है वो ये है कि हमारे बेटे, हमारे भाई, हमारे पति, हमारे पिता, ये अगर हमारे साथ खड़े होकर हमें बराबर का इंसान समझने के संघर्ष में सम्मान के साथ जुड़ते हैं तो ये जीत निश्चित है। आपका काम है इंसाफ, तो इंसाफ करें। आप इंसाफ को लब सीने का औजार बना दें माय लॉर्ड। आप इंसाफ को बदला कर दें, आप इंसाफ को बदला कर दें, आप इंसाफ को लब सीने का औजार बना दें माय लॉर्ड। आप इंसाफ के खंजर से हर एक उंगली को काट कर फेंक दें। काटें तो कुछ ऐसे काटें कोई उंगली किसी हाकिम की तरफ उठ न सके। आप इंसाफ को एक बेत में ढालें जिससे सर उठाए कर कोई तो सजा दें उसको जैसे स्कूल के बच्चों को सजा दें। हाँ मेरा जुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन, आप जो चाहे सजा दें मुझको। अगर इजाजत हो तो कुछ और भी मैं अर्ज करूं। हमको इतिहास बताता है कि हर दौर खिजा में यूं ही, हमको इतिहास बताता है कि हर दौर खिजा में यूं ही फूल खिलते हैं तो खिलते ही चले जाते हैं। हर दौर खिजा में यूं ही फूल खिलते हैं तो खिलते ही चले जाते हैं। किसी कोने से कोई बादल उभरता है और सहरा पे बरस जाता है। नंगे पेड़ों की किसी शाख पे बैठी कोयल गाने लगती है तो गाती ही चली जाती है। हर सिंह से आती है सदा, हर एक सिंह से आती है सदा, वादियां गूंजने लगती हैं उसी नगमे से। और कोई कितना भी चाहे कि उसे कैद करे, नगमा हर कैद से आजाद बिखर जाता है, नगमा हर कैद से आजाद बिखर जाता है। सरकारों को परवाह नहीं है, वो उन्हीं लोगों को बचाते हैं जो अक्यूज्ड हैं। और सरकार तो खुद ही गैर कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रही है। लव जिहाद के नाम पर जो कानून बनाया है कन्वर्जन का, वो किस लिए है? वो कन्वर्जन का कानून नहीं है, वो सिर्फ झांसा है। वो दो तरह से दोहरा अटैक है, एक तो महिला की एजेंसी पर, उनकी ऑटोनॉमी पर, और दूसरा उन्हें माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक करना है, खासकर मुसलमान लड़कों को। और फिर आप तो जानते हैं फिर क्या करते हैं वो। तो इस तरह के अटैक्स जब सरकार कर रही है, यूपी लाई तो उनके कंपटीशन में मध्य प्रदेश भी ले आए, मतलब ये कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म हो रहा है एक तरह से। हिंदुस्तान में जो इसकी मुखालिफत करे उसके ऊपर हमला हो रहा है, उनको एंटी नेशनल कहकर उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। यंग लड़कियों को भी अगर उन्होंने एक ट्वीट कर दिया किसानों के पक्ष में, उनको जेल में भरा जा रहा है। CAA के खिलाफ जिन लोगों ने किया था वो आज भी जेलों में हैं। भीमा कोरेगांव के नाम पे लोगों को, जबकि आज पता चल गया कि वो क्या था, इसके बावजूद वो लोग जेलों में हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में हो रही हैं जिसके खिलाफ आवाज़ उठाना हम सब के लिए ज़रूरी है। और जर्नलिस्ट पे, आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए किस तरह से जर्नलिस्ट पे अटैक हो रहे हैं।
जरा कुछ लिख दें, इंटिमिडेट करते हैं, उनके यहाँ ईडी भेजते हैं, इनकम टैक्स वाले भेजते हैं, अरेस्ट करते हैं, ये सब चल रहा है तो कब तक बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? हमें उठ खड़े होना है। जो हिटलर ने किया था डिट्टो, उस तरह के हालात आज यहाँ पैदा हैं, उसके खिलाफ आज सबको लड़ना है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमने कॉल दिया है, किसान मजदूर महिला एकता जिंदाबाद, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद। Thank you.